हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और मैं आशा करता हूँ आज आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। कल के वीडियो में आवाज़ का इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो दोबारा डालना पड़ा था। तो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और आज हम पढ़ेंगे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। तो पहला हमारा जो आज का करंट अफेयर है वो ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने फैज़ाबाद स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया है। तो अब फैज़ाबाद जंक्शन जो है वो आपका अयोध्या कैंट नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अयोध्या रेलवे कैंट स्टेशन के नाम से ये जाना जाएगा। 1874 में ये बना था और मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। अगर आप लोगों ने PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं आप @AmanTrivedi, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की PDF आपको वहीं पर मिलेगी और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं @AmanTrivedi, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, डबल आई एंड में आप लगा देंगे। अगला हमारा जो स्लाइड है, यूपी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदला है। इसके अलावा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के बल्ले का अनावरण किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट का बल्ला कहाँ बनाया गया है तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने ये अनाउंसमेंट किया है। भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टैंक बंड पर पनोड रिकॉर्ड पी लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित होने का अनावरण किया। बल्ला 56.10 फीट का है, इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना है। भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने और दुबई में T20 विश्व कप वापस लाने के लिए किया गया था। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक जो है उसने QR कोड साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट्स इसे लॉन्च किया है। ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ दुकानों पे आपने Paytm के ऐसे स्पीकर्स देखे होंगे छोटे छोटे जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो और उससे फिर आवाज़ आती है, तो वही ये इन्होंने चालू किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। भारत के सबसे बड़े लघु वित्त बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए QR रिस्पॉन्स कोड बॉक्स लॉन्च किया है, जबकि यह ऐसा उत्पाद लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। QR साउंड बॉक्स छोटे व्यापारियों को हर बार भुगतान करने पर SMS पढ़ने की परेशानी के बिना अपने संचालन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। इसे 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती और मराठी में उपलब्ध कराया जाएगा। AU लघु वित्त बैंक का मुख्यालय है जयपुर, राजस्थान में। इसके MD और CEO हैं संजय अग्रवाल और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं राज विकास वर्मा। अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने 5,000 करोड़ का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत हमारी प्रधानमंत्री की योजना है जिसमें एक तरीके से हेल्थ बीमा लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो 5,000 करोड़ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मिशन लॉन्च किया है जिसमें उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत है। योजना का कुल परिव्यय होगा 5,000 करोड़। इसका उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल पर ध्यान देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में कमियों को दूर करना। इसका लाभ है यह योजना भविष्य में बीमारियों से लड़ने और उन पर काबू पाने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करेगी। इसके अलावा डॉक्टर राजीव निगम को 2022 जोसेफ ए कशमैन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। भारत के CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फोरामिनी फेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। डॉक्टर निगम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। उन्हें फोरामिनी फेरा माइक्रोफॉसिल अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए चुना गया है। इसके अलावा अहमदाबाद और लखनऊ की 2 नई IPL टीम्स आने वाली हैं। उनके नाम क्या होंगे वो आपको आगे पता चलते रहेंगे। अहमदाबाद और लखनऊ की 2 नई टीमें 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी, इसलिए प्रतियोगिता में टीम की कुल संख्या 10 हो गई है और RP संजीव गोयन का ग्रुप RPSG ग्रुप ने लखनऊ की टीम का मालिक बना है, जबकि CVC कैपिटल पार्टनर्स अहमदाबाद की मालिक है। लखनऊ के लिए RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ जबकि CVC कैपिटल्स और इरेलिया ने अहमदाबाद के लिए
5625 करोड़ रुपए में बोली जीती है। आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था। आईपीएल के कुल 14 सीजन हो चुके हैं, 15वें सीजन में 10 टीमें आईपीएल में भिड़ेंगी। आईसीआईसी बैंक जो है वो एचयूएल को सरपास कर गई है, एचयूएल को टू ऑक्यूपाई फिफ्थ स्पॉट इन एम मिड कैप। तो एम मिड कैप कंपनियों में 5वें स्थान पर एचयूएल को पीछे छोड़ा है। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पीएससी के आंकड़ों के अनुसार आईसीआईसी बैंक का पूंजीकरण एम कैप 5.83 लाख करोड़ रहा, जो एचयूएल का 5.76 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक है। यह जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही में बैंक का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज कराने का अनुसरण करता है। आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है हम है ना, ख्याल रख आपका। इसके अलावा भारत में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बनी बफलो काफ का जन्म हुआ है गुजरात में। इस तरीके के सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको ध्यान रखना है। गुजरात में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जन्म हुआ है। मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले भैंसों की बन्नी नस्ल का पहला आईवीएफ बछड़ा राज्य के गिर सोमनाथ जिले के एक किसान के घर में पैदा हुआ। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बनाने के लिए प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बन्नी भैंस शुष्क वातावरण में अपनी लचीलापन और उच्च दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है, तो इसलिए ये टेस्ट ट्यूब जो है भैंस बनाई गई है। इसके अलावा इंडिया का पहला स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है। नागपुर में भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विशेष विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक डीएनए परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया है। वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, जबकि हाल ही में लॉन्च किया गया भारत में पहला राज्य सरकार का स्वामित्व है। लैब विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों से निपटेंगे। केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत 53 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगशालाओं को विकसित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राजधानी है मुंबई और आपकी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उद्धव ठाकरे। इसके अलावा विक्टर एक्सेलसन एंड अकाने यामागुची ने डेनमार्क ओपन 2021 का टाइटल जीता है। डेनिश ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने मेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में टाइटल जीता है। हेल्ड एट ओडेंसी स्पोर्ट्स पार्क डेनमार्क, ही डिफेटेड वर्ल्ड नंबर 1 केंटो मोमोटा ऑफ जापान एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान, वन हर सेकेंड टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी डिफीटिंग ए आन सी यंग साउथ कोरिया। ठीक है, तो इसके सारे एक बारी हम देख लेते हैं कि कौन कौन इसके विनर रहा है। तो मेन सिंगल्स के विनर रहे हैं विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के, वुमेन सिंगल की विनर रही हैं अकाने यामागुची जापान की, मेंस डबल्स के विनर रहे हैं तकुरो होकी एंड युगो कोबायाशी जापान के, वुमेन्स डबल की विनर रही हैं हॉन्ग डोंगपिंग एंड जेंग यू चाइना की। इसके अलावा मिक्स डबल के विनर रहे हैं यूटा वातानाबे एंड अरिसा हिगाशिनो जापान की। नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू नाम से डिजी बुक लॉन्च की है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च की है। इस डिजी बुक में फोकस क्षेत्र हेल्थ केयर है। विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की पहल है। नीति आयोग ने डिजी बुक पुस्तक लॉन्च की जो क्योंकि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। डिजी बुक 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन है। इन स्टार्टअप्स को देश भर में अटल इनोक्यूबेशन सेंटर्स में इनोक्यूबेट किया गया है, यानी कि वहां से फंड किया गया है। इन स्टार्टअप्स में ये स्टार्टअप्स नवजात बच्चे की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, दंत चिकित्सा देखभाल, एनीमिया, मानव जीवन की निगरानी जैसे स्वास्थ्य मुद्दों के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक समाधान प्रदान करने के लिए AI, IoT, ICT और अन्य जैसी तकनीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जेनेवा बेस्ड WAIPA। तो WAIPA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज
का जो प्रेसिडेंट है वो इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया यंग स्टार्टअप, एक यंग स्टार्टअप है जो कि इन्वेस्ट इंडिया को जिनेवा WAIPA का अध्यक्ष चुना गया है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार के एक युवा स्टार्टअप को सर्वसम्मति से 2021-23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश करने वाले निवेशकों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। 2021-23 के लिए WAIPA की संचालन समिति के सदस्यों में शामिल हैं। अध्यक्ष हैं इन्वेस्ट इंडिया, दो उपराष्ट्रपति हैं मिस्र और स्विट्जरलैंड। 9 क्षेत्रीय निदेशक हैं ब्राजील, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, कुवैत, कोस्टारिका, साइप्रस, अजरबैजान, घाना और समोआ। इसके अलावा रेडबुल के मैक्स वेस्टापेन ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। मैक्स वेस्टापेन रेडबुल के हैं, नेदरलैंड्स के रहने वाले हैं, रेडबुल के लिए खेलते हैं एंड इन्होंने 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीती है एट द सर्किट ऑफ अमेरिकाज इन ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज द 8th विन ऑफ वेस्टापेन, इन्होंने 8वीं जीत है इस सीजन में। दिस रेस वॉज द 7th राउंड ऑफ द 2021 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रैंड ब्रिटेन स्टूड सेकंड, लुइस हैमिल्टन सेकंड रहे हैं और सर्जियो पेरेज मैक्सिको के रेडबुल के थर्ड रहे हैं। तो रेडबुल के मैक्स वेस्टापेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। और इसके अलावा जो पुरानी हमारी ग्रैंड प्रिक्स हुई है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बहरीन एफ वन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन और एमिलिया रोमानगा एफ वन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वेस्टापेन। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वेस्टापेन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं सर्जियो पेरेज। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वेस्टापेन। स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वेस्टापेन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजय विनर हैं मैक्स वेस्टापेन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं एस्टेबान ओकोन और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वेस्टापेन और डच ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वेस्टापेन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं डैनियल रिकार्डो। रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं वाल्टरी बोटास। सो ये बेसिकली काफ़ी सारी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने हाल में जीती हैं। इसके अलावा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो है वो भुवनेश्वर में होगा बिना दर्शकों के। तो 2021 का मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का भारत में होने वाला है भुवनेश्वर में। 12वां एडिशन जो है मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो है वो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होगा 24 नवंबर से दिसंबर 5, 2021 तक। इसमें कुल 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत और डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, बेल्जियम, इजिप्ट, मलेशिया, पोलैंड, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेदरलैंड्स। द पूल स्टेज मैचेस विल टेक प्लेस फ्रॉम 24 नवंबर 2028 एंड जो ग्रुप स्टेज के होंगे वो 30th क्वालिफाई होंगे। द क्वार्टर फाइनल्स विल बी प्लेड ऑन December 21st। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज बट आई कांट डू मच। दिस इज आई रिकॉर्ड इन द वीडियो इन द नाइट एंड I'm really very sorry for this, whatever happening. Anyways, the quarterfinals will be played on December 21st. 1 December को quarterfinals खेले जाएंगे और semifinals जो हैं December 3 को खेले जाएंगे और December 5 को खेले जाएंगे। 9th edition जो है इसके अलावा ये इसके बाद में ये वाला point याद रखिएगा। Women's FIH Hockey Women Junior World Cup 2021 जो है उसका नवा edition 5 December से 16 December तक साउथ अफ्रीका में पोचेटस्ट्रूम में होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो आपका पोचेटस्ट्रूम में और साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा और भुवनेश्वर में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। फर्स्ट एवर बायलेटरल ट्राई एक्सरसाइज कोकण शक्ति 2021 भारत यूके और के बीच में शुरू हो रही है। भारत ब्रिटेन के बीच पहली बार द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति, यानी कि तीनों सेवाएं आपकी एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री तीनों ही सेवाएं भाग लेंगी और भारत और ब्रिटेन के बीच पहली बार इस तरीके की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। इट्स नॉट मिलिट्री एक्सरसाइज, इट्स अ ट्राई, इसीलिए कहा जा रहा है इसको ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोंकण शक्ति, जो 26 अक्टूबर से शुरू होगा। भारत और यूके सशस्त्र बलों के बीच पहली बार द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का समुद्री चरण 26 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में कोंकण तट से शुरू होगा। सभी इकाइयों को दो विरोधी ताकतों में विभाजित किया गया था जिसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित स्थलों पर सेना के जमीनी सैनिकों को उतारना था।
ठीक है। इसके अलावा AY.4 वेरिएंट जो है 6 फुली वैक्सीनेटेड पीपल पाए गए हैं एमपी में, जिनमें कोविड का ये डेल्टा सब वेरिएंट जो है वो पाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने एक फिल्म आई है हमारे अमेजॉन प्राइम पे, सरदार उधम सिंह, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और अच्छी फिल्म है। आपने सरदार उधम सिंह के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वो फिल्म उस पूरी त्रासदी को बहुत अच्छे से दिखाती है कि जो जलियांवाला बाग में हुआ वो एक बहुत बड़ी मानव काल की, इतिहास की बहुत बड़ी विभत्स घटना है। हम हिटलर के होलोकॉस्ट की बात करते हैं, हम तमाम शासकों के, तानाशाहों के अलग अलग अत्याचारों की बात करते हैं, लेकिन ब्रिटेन कई बार अपने चीज़ों से बच जाता है। तो आप में से जो लोग भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, सरदार उधम सिंह जरूर देखिएगा। जलियांवाला बाग का जो नरसंहार है वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, एंड इसमें जो सबसे ख़राब बात वो ये है कि ब्रिटेन ने आज तक उसके लिए रिटर्न अपोलॉजी नहीं मांगी है, ओरली बोला है कि वी आर एम्बेरेस्ड फॉर दैट सिचुएशन, और जो कुछ भी हुआ वो दुखद था, लेकिन रिटर्न अपोलॉजी नहीं किए। भारत आज भी उसकी मांग करता है। और एक और अपडेट ये है कि भारत दो सरदार उधम सिंह को ऑस्कर में भेजना चाहता था, लेकिन ऑस्कर में नहीं भेजी जा रही है फिल्म, क्योंकि उससे ये माना जा रहा है कि वो ब्रिटेन की एक गलत ख़राब छवि को वहाँ पर प्रदर्शित करेगा, जिससे कि भारत और यूके के संबंध खराब हो सकते हैं। तो एनीवेज अब बाकी आप लोग फिल्म देखिए, और अच्छी फिल्म है, आप ये समझिए कि किस तरीके की टॉर्चर हमारे देश के लोगों के साथ हुआ है। एनीवेज सो लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय।